आईटी सिक्योरिटी वर्सेस साइबर क्राइम। भारत कई दशकों से आतंकवाद से ग्रसित रहा है। अब तकनीक के इस दौर में ये आतंकी नए रूप में हथकंडे प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही अपनी मैली मुराद पूरी करने के असफल प्रयास कर रहे हैं। चलो देखते हैं बाजुए कातिल में कितना दम है। टेक्नोलॉजी का व्याप इतना व्यापक हो रहा है जिससे हम पूर्ण रूप से इंटरनेट और कंप्यूटर पर निर्भर हो गए हैं। ज्यों ज्यों इनका उपयोग हमारे निजी जीवन में बढ़ता जा रहा है, इसका दुरुपयोग भी होना तय हो जाता है। ये सिक्के की दो बाजू है, एक चट तो दूसरा पट। ये एक बाजू लाभ दे रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ साइड इफेक्ट्स भी, जिनके चलते अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। आज महत्वपूर्ण डेटा, इंफॉर्मेशन, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस इत्यादि की सुरक्षा अति आवश्यक हो गई है। आपका बैंक बैलेंस यानी कि जीवन भर की जमा पूंजी, ईमेल का पासवर्ड, कंप्यूटर में स्टोर्ड महत्वपूर्ण चीजें, इनकी सुरक्षा पर अब प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, क्योंकि कुछ समाज के बददिमागी लोग इन चीजों को चुराकर लोगों से पैसा वसूली का धंधा बना बैठे हैं। आपकी छोटी सी भूल, लालच और लापरवाही का लाभ लेकर ये साइबर चोर आपकी ही अनमोल चीजों को चुराकर, आपको डरा धमकाकर उसके बदले में तगड़ी रकम वसूलते हैं। ब्लैक टोपी अथवा ग्रे हैट वाली आकृति, जी हाँ, ये है साइबर क्राइम की दुनिया, जहां काली करतूतों के अपराधी शिकार ढूंढते रहते हैं। इनकी नजरों में मैं, आप, आपके बच्चे, पत्नी, परिवार, कोई भी आ सकता है। इन्हें साइबर क्राइम, साइबर वॉर, साइबर हैकर्स, साइबर अटैक इत्यादि पर्याय से जाना और पहचाना जाता है। एक बार कोई भी इनकी जाल में फंस गया, बाहर निकलना अथवा छूटना लगभग नामुमकिन है। इनका गेटवे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर है, जहां से ये महत्वपूर्ण जानकारी चुराते हैं अथवा डिलीट कर देते हैं। कंप्यूटर वायरस के द्वारा ये आपकी सिस्टम को करप्ट करके सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को नष्ट कर देते हैं। स्पैम ईमेल फिशिंग यानी किसी भी जाली मेल के द्वारा फ्रॉड करना और हैकर्स इसमें कार्यरत रहते हैं। इसके साथ ही साइबर एस्पियनाज के द्वारा किसी भी नेटवर्क में सेंध लगाकर उस पर नजर रखना, ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, कॉपीराइट, एटीएम फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड की चोरी अथवा फ्रॉड, पोर्नोग्राफी, ये सभी इस अपराधी तालाब की छोटी छोटी मछलियां हैं जो समाज में अपराध फैला रहे हैं। साइबर क्राइम एक महामारी की भांति फैल रहा है। इस जाल को काटने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी का निर्माण हुआ, जो शातिर अपराधियों को ढूंढ निकाले और उन्हें ठिकाने लगा दे। केंद्र सरकार इस विषय में सतर्क है। साइबर हमलों से बचने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया है। आईटी मंत्रालय ने भी घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता देने के आदेश दे दिए हैं। इसके उपरांत सूचना मंत्रालय, संरक्षण विभाग, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो साइबर की खुफिया एजेंसियों की आपराधिक जानकारी के आधार पर कार्यरत है। गौर करने वाली बात तो ये है कि इस प्रकार आने वाले समय में परमाणु, बिजली और हवाई सेवा जैसे संसाधनों की सुरक्षा की रणनीति तैयार करनी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। गुजरात में रेड एंड व्हाइट साइबर क्राइम को रोकने की मुहिम में साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज लॉन्च कर रही है, जिसमें विद्यार्थी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ की समझ रखने वाले प्रोफेशनल्स की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आजकल साइबर इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेड एंड व्हाइट ने इन कोर्स को लॉन्च किया है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सरलता से मिल सके। कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है। यहाँ हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के प्रत्येक पहलुओं को समझने से पहले और उस पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको ITACS Plus मॉड्यूल के तहत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्लाउड प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग को सीखना समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज को समझ पाएंगे, जो सुगम है। इन कोर्सेज में 40% प्रैक्टिकल, 40% थियरी और 20% प्रोजेक्ट वर्क कवर होगा। कोर्स में वेब सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल इकोसिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सुपरवाइजरी कंट्रोल,
और डेटा एक्विजिशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर लॉ, साइबर फोरेंसिक्स, सिक्योरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। इस कोर्स को ग्रेजुएट स्टूडेंट तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, साथ ही जो विद्यार्थी 10वीं व 12वीं कक्षा के हैं वे भी बिना संकोच इसके साथ जुड़कर अपना करियर बना सकते हैं। रेड एंड व्हाइट उन सभी विद्यार्थियों का आह्वान करती है जो इस फील्ड में अपनी योग्यता को साबित करना चाहते हैं। तो आइए और असामाजिक व देशद्रोही प्रवृत्ति को विराम चिन्ह लगा के समाप्त कर दें।